हेलो दोस्तों, फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्र इन्फो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे वायरल टॉपिक जो कि ट्रेंड कर रहा है अभी, जो कि है NFT। यानी कि NFT क्या है, इसके बारे में आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि NFT जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। क्योंकि इस दौर में जो NFT है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, इनका दौर आएगा। यानी कि ये फ्यूचरिस्टिक चीज है, इन पे बहुत ही ज्यादा वर्क होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे NFT क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, आप इस NFT से कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो NFT है क्या। NFT क्या है? नॉन फंजिबल टोकन। तो इस चीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले तो हम नॉन फंजिबल देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे टोकन क्या चीज है। नॉन फंजिबल की बात की जाए तो उसमें से पहले आप नॉन को हटा दो। फंजिबल का मतलब है रिप्लेसेबल, यानी कि जैसे एक पेन है, ये पार्कर का पेन है, और ऐसा ही एक और पेन है, तो ये क्या है, मेरे पास भी एक पेन है और मेरे दोस्त के पास भी पेन है, तो हम क्या है रिप्लेस कर सकते हैं इसको, तो ये क्या हुआ, फंजिबल हुआ। पर ये क्या है, एक ऐसा पेन है जिस पे धोनी ने सिग्नेचर कर रखा है, MS धोनी ने अगर इस पे सिग्नेचर कर रखा है तो ये क्या हुआ, रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अगर आपको कोई कहे कि इस पेन के बदले मैं दूसरा पेन दूंगा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, ये एक नॉन फंजिबल है, क्योंकि इस पे MS धोनी के सिग्नेचर है, जिससे कि इस पेन की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो ये तो हुआ नॉन फंजिबल का कंसेप्ट। और ऐसे ही है, जैसे कि अब ये क्या है कि एक पेन है जिसपे MS धोनी का सिग्नेचर है, अब इसी को मैं डिजिटल फॉर्म में, यानी कि इसको एक टोकन की फॉर्म में मैं NFT बना देता हूँ। यानी कि टोकन क्या चीज है, अब ये समझो आप, टोकन क्या है, जैसे कि मैं इसको एक डिजिटली फॉर्म में अगर सेल करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट NFT प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आने वाले इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको, जो NFT कहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो जो NFT हमने बनाया है डिजिटल फॉर्म में, ये जो टोकन है वो दरअसल है क्या, यानी कि ब्लॉकचेन की हेल्प से हम NFT को सेल करते हैं। जो ब्लॉकचेन है वो, ब्लॉकचेन को आप सिंपल सी बात से समझो, ये क्या है, एक बही खाता है, जो एक नॉर्मल जो हिसाब करते हैं हम नॉर्मली। ब्लॉकचेन में क्या है, जितने भी जो ट्रांजैक्शन होती है उनके एक एक ब्लॉक वो चढ़ते जाते हैं, यानी कि जो हजारों कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंप्यूटर के अंदर एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जाती है, एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जाती। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसी तरीके से ही NFT जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं वो बाय और सेल किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि OpenSea एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप NFT क्रिएट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, यानी कि आप अपनी खुद की NFT बना के वहाँ पर सेल कर सकते हो, और डिफरेंट NFT जो कि आपको अच्छी लगती है तो उसको आप बाय भी कर सकते हो। यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, जिसमें आपको बताऊँ जो सबसे महंगी NFT बिकी है वो $69 मिलियन की एक NFT है, जिसका इमेज आपको साइड में दिखेगी। और इसके अलावा काफ़ी NFTs हैं, और इंडिया में भी जो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी अपनी खुद की NFTs लॉन्च की हैं, जिसकी आपको इमेज साइड में दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट NFTs अमिताभ बच्चन ने भी लॉन्च करी है, तो इनका भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को बहुत ही लोग जानते हैं, तो लोग उनकी NFT को बहुत ही ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो 3.8 करोड़ की NFT भी बिकी है अमिताभ बच्चन की। तो ये तो कुछ हुआ NFT का कंसेप्ट। अगर आपको NFT बनानी है और बेचनी है तो सबसे पहले आप सोचोगे बनाए कहाँ, ये कॉपी पेन पे तो बनानी नहीं है कि आपने कॉपी पेन पे बनाई और बेच दी। तो ये एक डिजिटल फॉर्म में आप, जैसे कैनवा है, फोटोशॉप है, इसमें जो आप अपनी खुद की एक आर्ट बना के आप सेल कर सकते हैं, जिसमें सिंपल सी बात है, आपने कोई भी NFT बनाई तो उस पर आप सबसे पहले, आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट होना जरूरी है। ट्रस्ट वॉलेट में क्या है कि आप इनको OpenSea पे सेल कर सकते हो। पहले सबसे पहले आपके पास में एक ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट होना चाहिए, या कोई भी वॉलेट अकाउंट हो, चाहे MetaMask का हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट का हो, चाहे Binance का हो, कोई भी आपके पास में एक वॉलेट होना जरूरी है, जिसको आप जो भी मार्केट है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में ही आप ये NFT वगैरह को सेल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है आप कोई भी आर्ट, यानी कि कोई भी म्यूजिक क्लिप है आपकी, कोई भी वीडियो की क्लिप है, कोई 5 सेकंड 10 सेकंड की, कोई भी म्यूजिक हुआ, JPEG हुआ, कोई भी JPEG
कोई भी चीज है उसको आप एनएफटी के फॉर्म में सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली बात की जाए तो जो जितना ज्यादा यूनिक होगा वो ही ज्यादा सेल होगा। यानी कि आप गूगल करके देखोगे टॉप 5 कौन कौन सी एनएफटी है जो कि बिकी है, तो बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी, यानी कि 69 मिलियन डॉलर की एनएफटी बिकी है, 6 मिलियन, 8 मिलियन, डिफरेंट एनएफटी बहुत ही ज्यादा महंगी बिकी है। क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर एक को अपनी अपनी पसंद होती है जो कि इन एनएफटी को खरीद रहे हैं। तो माने जाए तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज है, आने वाले टाइम में इसका बहुत ही ज्यादा क्रेज है। पर कुछ लोग कह रहे हैं ये एक गुब्बारा है जो कि एक बबल है, एयर बबल है जो कि फट जाएगा। यानी कि इसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज है और कई लोग कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में इसका कुछ स्कोप नहीं रहेगा। तो आपकी क्या राय है आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं अपनी राय, और हम देखेंगे क्या क्या आपके व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये तो हो गया कुछ एनएफटी के बारे में। तो अगर आपको एनएफटी सेल करनी है तो डिफरेंट जो मार्केट प्लेस है वहां पर आप अपना अकाउंट बनाए, और जो ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट है, जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है उसको आप लिंक करें और आप अपनी एनएफटी बनाए और अपनी जो सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए है जिसमें मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर कैसे आप एनएफटी को बना सकते हैं, कैसे प्रॉपर एक एक स्टेप अगर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सजेशन डाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको कोई भी डाउट है एनएफटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे कि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको टाइम टू टाइम। इस चैनल पे लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।